किसान दोस्तों, झोना वढ़न दे विच 15-20 दिन का टाइम बाकी है। झोने च कितें तेला भी हैगा है, हल्दी भी हैगी है, सुंडी भी हैगी है, ते होर उल्ली रोग भी हैगे है। कैड़ी स्प्रे की जाए, किसान भी इस बारे पुछते हैं। तो इसे संबंध में इतने गल करदा मैं हाँ कुलदीप सिंह शेरगिल मरखाई, फतरी साझ पाने हैं। वाहगुरू जी खालसा, वाहगुरू जी फतेह। आ जड़ा खेत है, ये खेत पक्कन दे नेड़े नहीं गा, ये दोधा भरन की स्टेज पर है, किसान का खेत है। वैसे ही एक वीडियो रिकॉर्ड की सी तुहानू दिखाउण लई दे दित्ती कि इस साल तेले ने किन्ना नुकसान किया शुरू दे विच खेतों का। तां इस टॉपिक दे नाल इहदा कोई बहुता संबंध नहीं हैगा। किसान दोस्तों, अज सोशल मीडिया का जमाना है, जिहदा जी करदा उस तरीके नाल दसी जांदा है। असी इस दुचित्ती पै जाने कि मनीए किरी ते किरी ना मनीए। पहली गल, झोना वढ़ण दे विच 15-20 दिन का टाइम रह गया है, तो इहदा मतलब असी ना तो कोई हुण स्प्रे करनी है, ना कोई तेला कोई नुकसान करे, तो ईवन के असी पानी भी जिहड़ा हैगा झोना वढ़ण तो 15 दिन पहलां बंद कर देना है। क्यों कर देना है? इहनूं तुसीं थोड़ा जिहा समझो। असीं एक शब्द वरतदे हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ राइस, झोने का भौतिक तौर पर पक्ना। दो शब्द अड अड है, भौतिक तौर पर पक्ना ते झोना वढ़न वाली स्टेज पर आना। भौतिक तौर पर पक्ना झोना असीं उहनूं कहिंदे हैं जदों झोने दी जिहड़े अगले दाने है ना, सिरे वाले चोटी पक जाती, रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। बाकी जड़े दाने हैं जे असी उन्हों नपते हैं तो नपण तो बाद दोधा नहीं आता, तो ना ही वह नपया जाता है, ठीक है, करड़ा होंदा है। तो असी कहने कि झोना फिजियोलॉजिकल मच्योरिटी पर पहुँच गया, भौतिक तौर पर पक गया। परंतु इस समय झोने के लगभग 30-32% तक नमी होंगी है। हुण 30-32% नमी वाला झोना ना तो स्टोर किया जा सकता है, ना बाजार वेचा जा सकता है। इस करके इहनू 15-20 दिन खेत दे विच होर खड़ा रखा जाता है, तां कि इहदी नमी घट के 20% या उस तो थले आ जाए। कहानी समझ गए? थोड़ा होर समझते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि जिद्दे मुंजरां निकलियां, पहलियां मुंजरां खेत दियां निकलियां है, मुंजरां निकल तो लगभग 35 दिन बाद झोना भौतिक तौर पर पक जाता है। उस टाइम आपां झोने का पानी बंद कर दिंदे हैं, तो उस तो 15-20 दिन बाद कंबाइन ला के झोना असीं वढ़ा लैंदे हां। होर क्लैरिटी चाहीदी है? झोने दियां जिहड़ा मुंजरां आउंदियां है, मुंजरां आने तो बाद 7-10 दिन तक बूर पैके ते नाल दी नाल ही मुंजरां निकल तो 7-10 दिन के मुंजरां दे विच दोधा भरना शुरू हो जाता है। दोधा भरना वह स्टेज होंदी है जिहदे विच तेला सब तो वध नुकसान करता है, रस चूसक होपर सब तो वध नुकसान करता, उदों असीं रोकना हुंदा है। कई बारी उस समय का हमला सानू खीर ते लगता कि झोना डिग पिया, आ फिजियोलॉजिकल मच्योरिटी तो बाद कोई नुकसान नहीं होना, परंतु पहला किया हुआ नुकसान सानू दिखाई इतने दिता है। तो 7-10 दिन दोधा भरना शुरू हो गया। हुण अगले जिहड़े 8-10 दिन हैगे है, मतलब कि मुंजर निकल तो 14-20 दिन के ला लो, अलग अलग किस्मों के हिसाब के नाल जिहड़ा दोधा भरिया है वह सख्त आने लग पैंदा है, और जिहड़ा हैगा आटे वांगू सख्त होना शुरू हो जाता, आटे वर्गा बन जाता, ब्रैड वर्गा बन जाता, जिन्हों असी डॉ स्टेज कहने हैं। तो इस तो बाद अगले 10-12 दिन के बिल्कुल सुक के ते करड़ा हो जाता है। जदों दोधा भर रहा सी जां दोधा मलाई वर्गा हो गया सी, उस समय हेठले पासे खुराकी तत्तां दी गति तांनू ठांनू बड़ी तेजी दे नाल बूटे दे विच जूस घुमदा है, ते उदों रस चूस कीड़े उल्लियां हमला करके नुकसान करदियां। परंतु जदों दाणा अंदरों सख्त हो जाता है,
उस तो बाद च बूटा मरन लग पैंदा। बूटे का जिहड़ा खून है, जिहड़ा सेल सैप है, उहदी गति डाउन पै जांदी है। उस तो बाद दे विच तुहाडे रस चूसे कीड़े किसी भी किस्म का बूटे का नुकसान नहीं करते। तो झोना वढ़ण तो 15-20 दिन पहला स्टेज होंदी है, जिस स्टेज पर पुराने साढ़े किसान वीर हाथी झोना वढ़ के रखते सीगे। जो हाथी वढ़िया झोना उहदा झाड़ नहीं कटदा सी, तां तुहाडे खेत च हुण थोड़ा बहुत तेला आ गया, जे उल्ली आ गई, जे कीड़ी आ गई, वह नुकसान नहीं कर सकती। तो फिर मेरी इस गल नूं ध्यान नाल सोचो कि देखो सारा खेत लबोरटरी नहीं हुंदा। असी जो झोना वढ़ना भी हुंदा ना, उदों भी असी यह देखते हैं कि जे 80-90% दाने पक गए तो झोना वढ़ लो। ये नहीं हुंदा कि सारा झोना फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ते होगा, कोई 10% 15% दे विच दुद्ध ही भरदा पिया होगा, परंतु वह दुद्ध नूं जे देखते रह जाओगे तो झोने नूं पानी नप्पी आओगे तो तुहाडे झोने दा नुकसान ही बहुत हो जाणा, झोना डिग पैणा सारा थले। इस करके फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तो बाद च ना तो पानी लगता है। जटकी भाषा दे विच झोना वढ़ण तो 15 दिन पहला असी पानी बंद कर देना हुंदा, बाकी मिट्टी का हिसाब हुंदा अपना अपना। ये कितने 20 दिन पहला भी बंद करना पैंदा, कई जगह 25 दिन पहला भी करना पैंदा, लेकिन 15 दिन पहला असी बंद कर ही देना हुंदा है। जां फिर कई बार किसान ने कहा कणक की रौनी का हिसाब लाना, वक्री गल है, वढ़ण दे नेड़े आपदे खेत दे हिसाब नाल देख के ला सकदा पानी। तां तुहाडा झोना वढ़ण तो 15 तो 20 दिन पहला जां जिद्दां झोने की मुंजर निकली सीगी उस तो 30 तो 35 दिन बाद भौतिक तौर पर वह पक चुका है, उहदा दाना नपदे हो, दाना करड़ा है, दाने दे विचों कुछ नहीं बाहर निकलता, तो चोटी पक हो गया। उस समय उसनू ना कोई तेले की, ना कोई उल्ली की, ना कोई सूंडी की कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं हैगी। तो साडे किसान वीर इन्हां चीज़ों तो बच के रहन। हुण कल ही फोन आया कि कुछ मुंडे आए सी पिंड दे विचों, कहिंदे कि स्प्रे कर लो। देखो जो उन्होंने टारगेट है, दवाई आई है, हुण 6 महीने संभाल के थोड़ा रखूगा अगला। यार अगले ने बिजनेस करना, सियाणा बंदा बिजनेस करदा, उहनूं पता है कि जेकर मैं हुण 10,000 की दवाई कढ दूंगा तो 10,000 का मैं कणक का बीज लियाऊंगा, उहदे नाल मैं होर पैसा कमाऊंगा। तो इस करके उस बंदे नूं अपना बिजनेस करन दिओ, तुसीं अपने ध्यान नाल चलो। तो जदों झोना भौतिक तौर पर पकना शुरू हो जाता है उस तो बाद दे विच तेले उल्ली सूंडी दीआं स्प्रेयां करन दी कोई जरूरत नहीं पैंदी। जिहड़ा टोका भी इस तो पहलां पहलां पैंदा है, इस तो बाद च टोका भी बहुत घट देखा गया है। तो मेरे ख्याल च तुसीं मेरी गल समझ गए होंगे। इस करके दोस्तो जदों तो झोना ते फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ते आ गया उस तो बाद पानी भी बंद कर देना है, तो नाल ही जिहड़ा हैगा कोई स्प्रेयां करन दी जरूरत भी नहीं पैनी। आ जिहड़ा पिछे वीडियो चल रहा इस तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये पहलां दा बनाया होया सी, मैनूं बैकग्राउंड चाहिए इसलिए पिछे चला दिता। धन्यवाद दोस्तो, मेहरबानी दोस्तों।